वेलकम टू डुओ कोडर्स। डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एमबीसाई आदित्य और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि HTML, CSS और JavaScript का यूज करके हम मोबाइल एप्लीकेशंस कैसे बना सकते हैं। तो आज तक तो आपने ये सुना होगा कि HTML, CSS और JavaScript जो है वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, इन चीजों के लिए काम आता है। लेकिन इस वीडियो के बाद मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि अगर आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आती है तो आप डेफिनेटली एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं या फिर अपनी पूरी वेबसाइट को एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई हुई है। एक छोटी सी वेबसाइट है जो मैं आपको अपने डिफॉल्ट कोड एडिटर विजुअल स्टूडियो कोड से खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे index.html मेरा जो मेन फाइल है, इसे मैं गो लाइव पे क्लिक करके अपने डिफॉल्ट वेब ब्राउजर में खोल लेता हूं और आपको दिखाता हूं कि वेबसाइट है क्या। तो ये हमारी वेबसाइट जो है खुल चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, एक नॉन फंक्शनल वेबसाइट है। यहाँ पे एक दो एंट्री बॉक्सेस हैं, प्लीज साइन इन लिखा हुआ है और एक चेक बॉक्स है और एक साइन इन का बटन है। बहुत ही सिंपल वेबसाइट है। और यहाँ पे एक फोटो लगाई थी जिसका शायद पाथ मैच मैच नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे हमें फोटो दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने यहाँ पे लोगो डॉट पीएनजी लगाया था। अच्छा, लोगो डॉट पीएनजी यहाँ से गायब है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बेसिक यहाँ पे वेबसाइट है। ये एक बहुत ही बेसिक सी वेबसाइट है जो मैंने क्रिएट की हुई है। तो मैं काम करता हूँ, आपके सामने ही लोगो डॉट पीएनजी को ऐड करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे एक फोटो को ऐड किया जाता है। ये लोगो डॉट पीएनजी, आपको लोगो दिख रहा होगा, लोगो नाम का फोटो। मैं इसे सिंपली यहाँ पे इमेज के अंदर डाल दूंगा तो यहाँ पे लोगो आ चुका है। अब मैं सिंपली यहाँ पे आके देखूंगा कि हाँ, यहाँ पे लोगो डॉट पीएनजी मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में आ चुका है। अब हमें काम करते हैं कि यहाँ आते, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे वेबसाइट में भी फोटो आ चुका है, बिल्कुल नॉर्मल रिफ्लेक्शन है। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता था कि ये जो वेबसाइट है ये एक बहुत ही नॉन फंक्शनल वेबसाइट है। केवल एक फोटो है, कुछ बटन्स है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैं इस वेबसाइट को, या बेसिकली बोलूँ तो इस इन पर्टिकुलर कोड्स को अगर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज करूँ और एक मोबाइल एप्लीकेशन बना दूँ, तो आप इस पर्टिकुलर मेथड का यूज करके किसी भी वेबसाइट को एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से एंड्रॉयड स्टूडियो के लैंग्वेजेस जावा या कॉटलिन सीखने की जरूरत नहीं है, केवल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इनफ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं ये करता हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो में आ जाता हूँ। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जो है गूगल में फ्रीली अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही बड़ी फाइल है, तो मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो और इसे डेफिनेटली डाउनलोड होने के लिए अपना टाइम दीजिए। तो सबसे पहले मैं ये सब छोड़ के फाइल में आके एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। एक न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। एम्प्टी एक्टिविटी चूज करूंगा, नेक्स्ट दबाऊंगा और अपने एप्लीकेशन का नाम चूज कर लेता हूँ, HTML CSS JS, दैट इज जावास्क्रिप्ट। और हाँ, HTML CSS JS ये यूज कर लिया है मैंने अपने एप्लीकेशन का नाम। और यहाँ पे अगर पहले से आपके में डिफॉल्ट API 19 क्लिक नहीं होगा तो आप इसे क्लिक कर दीजिएगा। इस पर्टिकुलर चेकबॉक्स को चेक मत कीजिएगा और फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो डेफिनेटली आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे न्यू विंडो में खुल जाएगा और इसे ओपन होने में थोड़ा समय लगता है, तो इसे अपना टाइम डेफिनेटली दें। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है अब खुल चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो जो चेंजेस मैं आपको यहाँ करने बोल रहा हूँ या जो जो कोड्स ऐड करने बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली उन्हीं कोड्स को यहाँ पे ऐड करना है और हम उसके बाद HTML, CSS और JavaScript अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML में आना है, जो एक बेसिक डिजाइन होती है हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन की। यहाँ पे आप सबसे पहले आके कोड वाले ऑप्शन में जाना है और इस टेक्स्ट व्यू को यहाँ से हटा देना। इस टेक्स्ट व्यू को हटाने के बाद आपको ये जो दिख रहा होगा लाइन, इसे हटा के यहाँ पे सिंपली लिखना है RE। ऐसे लिखेंगे तो अपने आप रिलेटिव लेआउट का ऑप्शन आएगा, तो एंटर करेंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे रिलेटिव लेआउट के। फिर आपको वापस से डिजाइन वाले सेक्शन में जाके सर्च करना है वेब व्यू के लिए। वेब व्यू सर्च करेंगे जैसे ही, इसे आप सिलेक्ट करें और ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे वेब व्यू जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। और अगर आप वापस कोड वाले सेक्शन में जाएंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि एक वेब व्यू यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आपको करना ये है कि ये एक छोटी सी लाइन है जिसे मैं लिख रहा हूँ, उसे ही आपको लिखना है, एंड्रॉइड कोलन ID इज इक्वल टू डबल कोट्स एट द रेट। यहाँ पे ऑलरेडी हमें सजेशन दे रहा है पहले से एंड्रॉइड स्टूडियो की, ये लिखना है आपको कोड, एट द रेट ID / वेब कैपिटल V
IEW. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मैं अपने वेब व्यू को मैं एक पर्टिकुलर आईडी दे रहा हूँ जिसका नाम है WEB, कैपिटल वी आई ई डब्ल्यू, ये मैंने नाम दिया है अपने वेब व्यू को। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट फाइल दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करके आपको android.manifest.xml फाइल को खोल लेना है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोटपैड में एक छोटी सी कोड लिखी हुई है, इसे आपको सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो डेफिनेटली आप बहुत ही छोटी लाइन है, आप इसे देख के भी लिख सकते हैं, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके देख के लिख सकते हैं। अब इस लाइन का जो मतलब है वो आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। यूजर्स परमिशन android:name=(double quotes) android.permission.internet, इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर लाइन है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंटरनेट परमिशंस के लिए यूज होती है ये लाइन, क्योंकि हमारे वेबसाइट में ऐसे भी पार्ट्स हो सकते हैं जो बिना इंटरनेट के चले ही ना, इसीलिए ये पर्टिकुलर परमिशन देना एप्लीकेशन को कि वो इंटरनेट को एक्सेस कर सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने के बाद आपको मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आना है। उसके बाद जो जो कोड मैं आपको लिखने बोल रहा हूँ एग्जैक्टली उन्हीं कोड को लिखना है। सबसे पहले लिखना है प्राइवेट वेब व्यू WV1 जो है, यहाँ पे मैंने अपने वेब व्यू का नाम रखा हुआ है। ऐसा लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर करके, बहुत ही छोटे कोड्स हैं जो मैंने ऑलरेडी नोटपैड में लिखे हुए हैं, मैं चारों, ये चार लाइन के कोड्स हैं, चारों लाइन का मैं मतलब आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले मैं, मुझे इसे कॉपी पेस्ट कर देने दीजिए। ये मैंने यहाँ पे अपने कोड्स को कॉपी पेस्ट कर दिया है, इन 1 2 3 4 चार लाइन को कॉपी पेस्ट किया है मैंने, और इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग बनाया है URL, जिसका नाम URL है, और ये स्ट्रिंग का नाम है, स्ट्रिंग के अंदर जो डेटा है वो स्टोर्ड है, इसका मतलब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। WV1 मैंने जो यहाँ पे डिफाइन किया था वही यहाँ पे मैंने WV1=WebView find view by ID r.id web view, ये जो आईडी है ये मैंने आप ही के सामने यहाँ पे बनाया था, वही आईडी को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। उसके बाद WV1.getSettings.setJavaScriptEnabledTrue, यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैंने वेब व्यू के सेटिंग्स में जावास्क्रिप्ट को एनेबल किया है, मतलब मैं चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट मैं यूज कर पाऊँ। उसके बाद सिंपली मैंने उस पर्टिकुलर यूआरएल को, यूआरएल नाम की जो मैंने स्ट्रिंग बनाई थी उसे मैंने लोड कर दिया, इसका मतलब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन खुले खुले तो सबसे पहले यही पर्टिकुलर यूआरएल चल जाए। तो अब ये यूआरएल जो यहाँ लिखा हुआ है फाइल स्लैश 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 एंड्रॉयड एसेट स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी एक्चुअल में है क्या? तो इसका मतलब समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐप में आ जाना है, और न्यू राइट क्लिक करते ही, राइट क्लिक करके न्यू में आके आपको एक नई फोल्डर क्रिएट करनी है, नई एसेट्स फोल्डर क्रिएट करनी है। फिनिश पे क्लिक कर दीजिए और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे एक एसेट नाम का फोल्डर ऐड हुआ है, और यहाँ पे भी देखेंगे कि एंड्रॉयड अंडरस्कोर एसेट फाइल मतलब ऐप, ऐप के अंदर एंड्रॉयड अंडरस्कोर एसेट मतलब एसेट्स फाइल के अंदर आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम का एक फाइल क्रिएट करना है। तो यही एसेट फोल्डर में राइट क्लिक करके न्यू फाइल में आके आपको इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक फाइल क्रिएट करनी है और एंटर कर देना है। सिंपली आप देखेंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अपने जो डिफॉल्ट कोड एडिटर है उसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके इन पूरे कोड्स को कॉपी पेस्ट कर देना है आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में, जो मैंने कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपने पूरे कोड्स को कॉपी पेस्ट कर लिया है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि मेरे वेबसाइट में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अलावा एक इमेज नाम का फोल्डर भी है और एक फोटो भी है जो आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एसेट फोल्डर के अंदर ही मैं न्यू एक डायरेक्टरी बनाऊंगा। डायरेक्टरी मतलब होता है एक पर्टिकुलर फोल्डर, और उसे मैं IMG नाम दूंगा। IMG नाम देने के बाद मुझे यहाँ पे एक जो हमारी लोगो डॉट PNG है उसे कॉपी करना है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे लोगो डॉट PNG में, और लोगो डॉट PNG को सिंपली ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पे इमेज में, मैं यहाँ से कॉपी नहीं कर सकता तो मुझे डेस्कटॉप विंडो चाहिए होगा। यहाँ पे डेस्कटॉप में हमारा जो लोगो डॉट PNG है, लोगो डॉट PNG है, मैंने डेस्कटॉप से उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना होगा। और मूव एंड रीफैक्टर, जैसे मैं रीफैक्टर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इमेज के अंदर आप देख रहे होंगे कि लोगो डॉट PNG नाम का एक पर्टिकुलर फाइल ऐड हो चुका है। मतलब अब हमें वेबसाइट में जो जो चेंजेस करने थे वो हमने बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको बिल्ड में, अब आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी है, लेकिन इसमें इसको मोबाइल में चलाने के लिए आपको सबसे पहले एक APK बिल्ड करना होगा। APK जो है वो फाइल होती है जो हमारे पूरे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट को या पूरे एंड्रॉयड कोड्स को एक फाइल में कंप्रेस करता है। तो बिल्ड में आके आपको सिंपली यहाँ बिल्ड बंडल्स APK में आके बिल्ड APK करना है।
जैसे आप बिल्ड एपीके करेंगे, नीचे आपको ग्रेडल बिल्ड रनिंग का एक पर्टिकुलर फंक्शन दिखा रहा होगा। अब आपको ग्रेडल को बिल्ड होने देना है, जैसे ही कोई एक नई एक्टिविटी होगी आपको तुरंत नीचे से नोटिफिकेशन आएगा। तो गाइस मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है कि बिल्ड एपीके जनरेटेड सक्सेसफुली। तो सबसे पहले आप लोकेट वाले ऑप्शन में आके इस पर्टिकुलर फाइल को लोकेट कर लीजिए कि ये एक्चुअल में कहाँ पे वो हुआ है, डाउनलोड कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा appdebug.apk। इस फाइल को आपको किसी भी पर्टिकुलर मीडियम से, चाहे यूएसबी केबल से या व्हाट्सएप से, किसी के भी थ्रू आपको इसको अपने मोबाइल में लेना है। उसके बाद इसको मोबाइल में ओपन करना है। तो अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे दिखूंगा, तो 2 मिनट। तो मैं अब अपनी मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ और अब मैंने उस पर्टिकुलर appdebug.apk को अपने मोबाइल में ले लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको फाइल्स में आके दिखाता हूँ कि appdebug.apk मैंने अभी अभी अपने मोबाइल में लिया है। अब मैं आपको इसे इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको नीचे दिखा रहा है कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट वर इंस्टॉल्ड। अब मैं काम करूंगा, सबसे पहले मैं सर्च एप्स में जाऊंगा और HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, तो आपको दिख रहा होगा कि HTML, CSS, JS करके एक पर्टिकुलर ऐप है, उसे मैं ओपन कर दूंगा। और जैसे ही वो ओपन होगा, यही मैं चाहता था कि मेरी जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल है वो एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन के आ जाए। तो इस पर्टिकुलर मेथड से आप किसी भी वेबसाइट को एक पर्टिकुलर एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।